छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले ये पराक्रमी, युद्ध कुशल, उत्कृष्ट प्रशासक और स्वतंत्र राजकारभार इस मूलभूत गुण कौशल्य वाले एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति थे। महाराष्ट्र के वेरुल गांव के मूल निवासी बाबाजी भोसले शाहजी राजा के दादा। बाबाजी भोसले के पिता निजाम शाह के दरबार में ईमानदार और शूरवीर सरदार थे। बाबाजी भोसले जब 5 साल के थे तब किसी लड़ाई में उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। बाबाजी भोसले का सपना भी एक जंग बहादुर सरदार बनने का था, पर घर के जिम्मेदारी के कारण उसका सपना सपना ही रह गया। इस बाबाजी भोसले को 2 पुत्र थे, मालोजी और विठोजी। दोनों भी जाबाज और शूरवीर थे। दोनों भी निजामशाही के सरदार थे। मालोजी को भी 2 पुत्र थे, एक शाहजी राजे और दूसरे शरीफ जी राजे। शाहजी राजे का जन्म 18 मार्च 1594 को वेरुल गाँव में हुआ था। शाहजी राजे की मातोश्री उमाबाई ने शाह शरीफ पीर बाबा को मन्नत मांगी थी। उनकी मन्नत पूरी हुई, इसलिए मालोजी और उमाबाई ने अपने पुत्र के नाम शाहजी और शरीफ जी रखे। आगे विदर्भ के सिंदखेड़ राजा के लखूजी जाधव की कन्या जीजाबाई के साथ शाहजी राजे का विवाह दिसंबर 1605 में हुआ। उस समय लखूजी और मालोजी दोनों समधी निजामशाही में एक नामचीन सरदार थे। कुछ दिनों बाद मालोजी राजे की दुर्दैवी मृत्यु हो गई थी। आगे शाहजी राजे की कीर्ति बढ़ गई। अहमदनगर के पास भातवड़ी का युद्ध हुआ था। वहां शाहजी राजे ने पहली बार गनीमी कावा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। 16 सितंबर 1633 को संगमनेर के भीमगढ़ के शाहजी राजे सिंहासनाधीश्वर बने। यही उन्होंने खुद का स्वराज्य बनाऊंगा ऐसा सपना देखा था। मुगल शहनशाह शाहजहां ने 2 लाख सैनिक शाहजी राजा पर आक्रमण करने भेजे थे। उसके साथ साथ आदिल शाह भी 80,000 की फौज लेकर निकला। तब शाहजी राजा के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। उसमें से 10,000 सैनिक अहमदनगर के रक्षण के लिए रखकर सिर्फ 10,000 सैनिक ही अपने साथ लेकर 2,80,000 के मुगल आदिल शाह के सैनिकों से मुकाबला करने शाहजी राजे निकले। मुगल आदिल शाह के इतने सारे सैनिकों की जहां छावनी पड़ी थी वहीं से उत्तर दक्षिण बहने वाली मेखरी नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। उस साल भारी वर्षा हुई थी। उस नदी के उत्तर दिशा में बहुत बड़ा बांध था। यहाँ रात के समय मेखरी नदी के किनारे मुगल आदिल शाह के सैनिक अपने अपने छावनी में चैन से सो रहे थे। शाहजी राजे ने अपने 10,000 सैनिक साथ में लेकर उस बांध के दीवार को रातों रात फोड़ डाला। उसका पानी मेखरी नदी के पात्र में बिजली के गति से बहने लगा। उस नदी को बहुत बड़ी बाढ़ आई। मेखरी नदी के किनारे सोए हुए मुगल आदिल शाह के सैनिक उस भयंकर पानी के बहाव में कीड़े मकोड़े की तरह बह गए। इस प्रकार शाहजी राजे ने युद्ध न लड़ते हुए भी 2,80,000 दुश्मनों का पलक झपकते ही सफाया कर दिया। इस घटना से शाहजी राजे का नाम पूरे देश के कोने कोने में गूंजने लगा। पर इस युद्ध के दौरान उसके बंधु शरीफ जी राजे का देहांत हुआ था। आगे चलकर शाहजी राजे का स्वराज का सपना उनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा किया। शिवाजी महाराज भी अपने पिता के समान शूरवीर, पराक्रमी और गनीमी कावा युद्ध तंत्र में निपुण थे। शिवाजी अपने पिता के मार्गदर्शन पर ही सफल होते जा रहा है ऐसा सोचकर आदिल शाह ने शाहजी राजे को कैद करने की योजना बनाई। उसके लिए उसने अपना वजीर नवाब मुस्तफा खान, बाजी घोरपड़े, मम्बाजी भोसले, हकका खान, आजम खान इनको भेजकर गद्दारी से कर्नाटक के जिंजी के पास शाहजी राजा को कैद किया। फौलादी जंजीरों से बांधकर उन्हें आदिल शाह के दरबार में हाजिर किया। वो दिन था 25 जुलाई 1648 का। शिवराय को इस बात का पता चला। उन्होंने फौरन अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने पिता को छुड़ाने का प्रयत्न शुरू किया। दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां को एक खत लिखा। हमारे पिता शाहजी राजे खुद आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके मनसबदार बनना चाहते हैं, पर हमारे पिता तो आदिल शाह के कैद में है, उन्हें छुड़ाने की मदद करो, वो आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो गए। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने पिता के मुक्तता के लिए दिल्ली दरबार को शहद की उंगली चटाई। शिवराय की ये कोशिश सफल हुई। शाहजी राजा को 16 मई 1649 को आदिल शाह ने छोड़ दिया। शाहजी राजे का इतिहास जानकर ऐसा समझ में आता है कि उन्होंने स्वाभिमान बरकरार रखते हुए आदिल शाही, मुगल शाही और निजाम शाही इन सभी सल्तनत में सरदार की। पर स्वराज का सपना उन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के जरिए पूरा किया। अपना खुद का, अपने मराठों का साम्राज्य देख वो खुद को भाग्यशाली समझने लगे। एक छोटे से राज्य का विशालकाय साम्राज्य में रूपांतरण देख वो संतुष्ट हुए थे। माघ शुद्ध 5 यानी 21 जनवरी 1664 को किसी जंगल में गुजरते हुए घोड़े पर से गिर के उनका दुर्दैवी मृत्यु हुआ।